नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस संदेश न्यूज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। श्री राम कंस्ट्रक्शन द्वारा शहर में एक साथ कई जगह सीवरेज कार्य प्रारंभ कर गड्ढे खोदने से लेकर पाइपलाइन बिछाने, बड़े एवं छोटे चैम्बर बना पैच वर्क के 100% कार्य में से महज 20% कार्य किए जाने से शहर में कीचड़ ही कीचड़ से रहवासी परेशान है। नगर पालिका अध्यक्ष अश्विनी निक्कू चौहान के नेतृत्व में कलेक्टोरेट में ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल MPUDC के तहत शहर में श्री राम कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा सीवरेज कार्य किया जा रहा है। सीवरेज कार्य अंतर्गत सड़कों गलियों में एक साथ कई जगह कार्य किए जाने से हो रहे कीचड़ से लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों का निकलना दुभर हो गया है, जिसकी शिकायत नगर पालिका में की जा रही है। जबकि नगर पालिका में सीवरेज ठेकेदारों MPUDC के अधिकारियों को एक जगह कार्य शुरू कर खत्म करने के बाद नई जगह कार्य करने की समझाइश दी गई थी, बावजूद सीवरेज कंपनी द्वारा मनमानी कर अधूरे कार्य किए जा रहे हैं, जिसको लेकर नगर पालिका अध्यक्ष अश्विनी निक्कू चौहान द्वारा पार्षदों के साथ कलेक्टर कार्यालय में अपर कलेक्टर को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। नमस्कार, आज नगर पालिका के समस्त पार्षदों के साथ सामूहिक रूप से हमने सीवरेज के कारण जो हो रही समस्याओं को लेकर कलेक्टर सर को ज्ञापन दिया है। सीवरेज के कारण पूरे ही बड़वानी शहर में बहुत ही समस्या आ रही है। अगर हर जगह गड्ढे करे गए हैं और अगर उन्होंने कहा, उनसे कहा गया कि उन्होंने 100% अपना काम किया है, तो उसका पेच वर्क उन्होंने 20% ही किया है। हमारे द्वारा उन्हें कई बार अवगत करवाया गया है और उन्हें सभी समक्ष 24 पार्षदों के समक्ष भी मीटिंग के द्वारा भी अवगत कराया गया है कि आप जो आपका कार्य कर रहे हैं वो सुनिश्चित करें। उनसे ये भी कहा है कि जो आपने खुदाई करी है उसे 15 दिन के अंदर व्यवस्थित करिए, पर तीन महीने होने के बावजूद भी वो उस कार्य को पूर्ण रूप से नहीं कर रहे। उनका पेच वर्क का जो कार्य किया जा रहा है वो भी पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है। और जो हमारे मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत और कायाकल्प के तहत रोड की स्वीकृति है, हम भी वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सीवरेज के जो इंजीनियर ठेकेदार है वो अपना कार्य निश्चित तरीके से नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में MPDC शिकायत की है नगर पालिका जी। इस संबंध में हमारे द्वारा कई बार पत्र व्यवहार किया गया है, पर उनके द्वारा हमें अभी तक सही ढंग से कोई आश्वासन नहीं मिला है, ना ही उन्होंने हमारे समक्ष बैठकर पूर्ण रूप से बात की है ताकि हमें इस समस्या का निराकरण करने में सुविधा हो। अच्छा, वार्डवासी शिकायत। अभी के लिए इतना ही। ऐसी अन्य खबरों के लिए बने रहिए एक्सप्रेस संदेश के साथ।